ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को मिले वीर चक्र, मार गिराया था पाकिस्तानी फाइटर प्लेन। पीएम मोदी ने मुलायम सिंह यादव को ट्वीट कर दी जन्मदिन की बधाई। हरे निशान में खुलने के बाद गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 511 अंक टूटा। कोरोना संक्रमितों की घटी संख्या, देश में 1,18,443 एक्टिव केस। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर 83 किलो का लड्डू बना आकर्षण का केंद्र, तस्वीर हुई वायरल। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के बाद केंद्र की घोषणा के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में आज किसान महापंचायत बुलाई। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। राकेश टिकैत किसान महापंचायत में शिरकत करने लखनऊ पहुंचे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद हो रही इस महापंचायत से पहले राकेश टिकैत को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर से संबंधित सवालों का भी सामना करना पड़ा। राकेश टिकैत से असदुद्दीन ओवैसी की उस मांग को लेकर सवाल पूछा गया, जिसमें ओवैसी ने तीनों कृषि कानूनों को ही तर्ज पर सीएए को भी वापस लेने की मांग की थी। वहीं राकेश टिकैत इस सवाल पर सीधे सीधे बोलने से बचते नजर आए। बातचीत के लिए लखनऊ से संवाददाता अजहर लाइव जुड़ चुके हैं। अजहर, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है किसान महापंचायत में? किसान मौजूद हैं, देश के अलग अलग राज्यों से, राजधानी के अलग अलग जिलों से किसान पहुंचे। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद हैं और पहले ठीक सामने आप देख सकते हैं विशेष प्रदेश में तमाम किसान का किसान मोर्चा होगा ताकि किसान तमाम किसानों को संबोधित कर रहे हैं। जी अजहर, बड़ा ऐलान करने वाले थे राकेश टिकैत, तो अभी तक क्या कुछ कहा है अपने बयान के दौरान? जी, भारतीय किसान प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ और ये इसके अलावा कुछ मांगे हैं, जैसे कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए, इसके अलावा आज जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अजहर जुड़े थे। तो कृषि कानून वापसी के बाद अभी भी प्रदर्शन जारी है और किसान संगठनों का ये कहना है कि जब तक इसे पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिया जाता और एमएसपी से जुड़ी और बाकी जो अन्य मांगे हैं उनको जब तक पूरा नहीं कर दिया जाता, प्रदर्शन अभी चलता ही रहेगा। आगरा में एससी आयोग चेयरमैन डॉक्टर राम बाबू हरित का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, स्वर्ण करा रहे हैं एससी एक्ट के दुरुपयोग, दलित रहे सावधान। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, आज की तारीख में विपक्ष के पास कुछ मुद्दा तो है नहीं, तो जब मुद्दा कोई नहीं होता तो कुछ तो विपक्ष को बोलना ही होता है, तो विपक्ष क्यों बोल रहा है, क्योंकि मुद्दा विहीन विपक्ष है। बाकी एक बार जब माननीय प्रधानमंत्री किसी बात को साज रूप से घोषणा कर देते हैं तो फिर कोई ना वाली तो बात मैं समझता होती नहीं है। यदि इस तरह के लोग सोच रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको अपना जो है मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, शायद उनका मन मस्तिष्क ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है। देखिए, आज की तारीख में विपक्ष
अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में एक युवक शादी समारोह में पत्नी को छोड़कर लौट रहा था, जहां एक अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सड़क दुर्घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि अपनी पत्नी को एक समारोह में छोड़कर लौट रहा था युवक, जिसके बाद जोरदार टक्कर लगी और जिसके बाद उसे जब प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और पुलिस अब जांच में जुट गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मिर्जापुर की कटरा कोतवाली के स्टेशन रोड से बारात महंत शिवाला में हर्ष फायरिंग के दौरान एक युवक के पेट में गोली लग गई, जिसे गंभीर हालत में वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया, जिसकी रास्ते में ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम स्थल पर छानबीन शुरू कर दी है। आज दिनांक 22/11/21 समय करीब 1 बजे थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र अंतर्गत सरजी उद्यान मैरिज लॉन में अमरदीप सिंह निवासी स्टेशन रोड की बारात आई थी। बारात में आशीष गुप्ता वासलीगंज भी आमंत्रित थे। बारात में किसी के द्वारा की गई फायरिंग के दौरान आशीष के पेट में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज हेतु मंडलीय चिकित्सालय सदर मिर्जापुर भिजवाया गया। वहाँ से चिकित्सकों द्वारा ट्रामा सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनकी शाहजहांपुर जनपद के रौजा थाना प्रभारी जयशंकर सिंह अपनी टीम के साथ सल्लिया स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने 7 बोरी चोकर का भोग लगाया। वहीं मौके पर गौ सेवक शशांक प्रताप सिंह सोमवंशी, इस दौरान राष्ट्रीय गौरक्षक दल जिला संगठन सचिव रोहित गुप्ता और सक्रिय सदस्य राष्ट्रीय गौरक्षक दल सरोज कुमार सिंह, पशु चिकित्सा डॉक्टर आदित्य गोयल और गौशाला का पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। अलीगढ़ पाली मुकीमपुर थाना क्षेत्र के गांव भागीरथपुर में करीब 1 महीने पहले एक बच्चा अचानक घर से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। लापता बच्चे के परिजनों का आरोप है कि अपहरणकर्ताओं ने धमकी भरी चिट्ठी भेजकर 4 लाख रुपए की मांग की है, जिसके कारण पीड़ित परिवार ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर लापता बच्चे को जल्द बरामद करते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। भले ही योगी सरकार माफियाओं को प्रदेश की सीमाओं से बाहर का रास्ता दिखाने की बात कह रही हो, लेकिन सहारनपुर में भूमाफियाओं को किसी का भी खौफ नहीं है। एक भूमाफिया कमिश्नर और जिलाधिकारी को कुछ नहीं समझ रहा है। बता दें कि जनकपुरी थाने के सामने एक कब्रिस्तान में भूमाफिया अवैध रूप से कॉलोनी काट रहा था, जिसकी कुछ लोगों ने शिकायत कमिश्नर और जिलाधिकारी से की। दोनों अफसरों ने जनकपुरी थाना पुलिस को निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए, लेकिन पुलिस इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए आगे नहीं आ रही है, उल्टे शिकायतकर्ताओं को फटकार लगा रही है। ये मेरी दादी ने प्रॉपर्टी है, अलल औलाद वक्फ, अलल औलाद वक्फ नंबर 260 है, जो कि अब्दुल रहमान ने वक्फ की 22/11/1907 को, जिसके खसर नंबर उसका 153, जिसका हाल नंबर 170/2 है, खेवर 14 गैर दाइयान, जो कि मौके पर शाहनूर कब्रिस्तान के नाम से फैमिली कब्रिस्तान है। ये बड़े पुरखों के टाइम से चला आ रहा है हमारा कब्रिस्तान, फैमिली कब्रिस्तान है। इसमें कुछ माफिया लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, जबकि कमिश्नर साहब ने यह आदेश किया कि कब्रिस्तान के प्रयोग यूज में ला सकते हैं आप, इसकी सूरत तब्दील नहीं कर सकते, कोई कॉलोनी नहीं काट सकते। एक सफीक माफिया है, एक इसका लड़का है, एक नईम पीर जी सिखजादा है, नक्श नफीस। इन लोगों ने, माफियाओं ने पहले भी इसमें हरकतबाजी की है, अब फिर कर रहे हैं। इन्होंने की थी 24 मार्च 2021 में। माफियाओं को किसी का डर नजर नहीं आ रहा है, शिकायत करने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, उल्टा शिकायतकर्ताओं को ही फटकार लगाई जा रही है।
तस्वीरें देख सकते हैं आप, निजी कब्रिस्तान बताया जा रहा है जिसको लेकर ये विवाद चल रहा है। कुछ भूमाफिया हैं जो इस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। शाजापुर के थाना सदर बाजार के ओसीएफ ग्राउंड की टंकी से एक मामला सामने आया है जहां एक युवक गुस्सा करके पानी की टंकी पर चढ़ गया, घरेलू कलह में आत्महत्या की धमकी दे रहा है। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर उसे मनाने पहुंच गए। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से धमकी भरा लेटर भी सामने आया है और साथ ही पानी की टंकी पर भी चढ़ा हुआ नजर आ रहा है व्यक्ति। शाजापुर से ये खबर सामने आई है जहां घरेलू कलह की वजह से व्यक्ति मरने की कोशिश कर रहा है और धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। वहीं पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और व्यक्ति को समझा बुझा कर नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।